नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SRT, दैट मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि आपके एयरफोर्स के अंदर ये टेस्ट होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसे हम बोलते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए हमने एक बुक बनाई है। देखिए, इसके अंदर मैंने 42 टॉपिक कलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं, वोमेन एम्पावरमेंट, सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। आर्टिकल 370 है, चंद्रयान है, सभी टॉपिक हैं और ये 42 टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 39 रुपये पे करने होंगे। धन्यवाद। एक्सप्लेनेशन मतलब कि बताऊंगा इसके बारे में, आज इंट्रोडक्शन पूरा देने वाला हूं। आखिर SRT होता क्या है, कैसे इनके क्वेश्चनों को हमें टैकल किया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से वीडियो को आप देखेगा। तो सबसे पहले देखिए, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो जान लेते हैं हम SRT के बारे में। देखिए, SRT आपका ये सभी को पता, मैंने अभी बताया था आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, दैट मीन्स 81 होता है SRT। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, 45 टोटल क्वेश्चन होते हैं और उनके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का दिया जाता है गाइस, 30 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रॉपर रूप से। ये 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर करने होते हैं। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती, दैट मीन्स आपको 45 अटेम्प्ट करने होंगे। यदि आपने 44 भी अटेम्प्ट किए हैं, दैट आप क्या कर दिए जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान रखें कि यदि आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया, चाहे आप टाइम की प्रॉब्लम लगा लो उसे, चाहे आपकी गलती लगा लीजिए, आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है SRT के बारे में। वहाँ पर आपसे कई सेंटर में बोल दिया जाता है, कई में नहीं भी बोला जाता, तो इसको ध्यान रखें। और इन 45 में से यदि मैं बात करूँ, 7-5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक आपके आते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग के टॉपिक आप नोट कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं आपके, एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके 5 से 6, 7 तक 8 तक क्वेश्चन हैं जो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और टाइम का बात करें तो हम टाइम का कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 30 मिनट के अंदर मैं कैसे कवर कर पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आप 30 सेकंड के अंदर इजीली कर सकते हो, मतलब कि आपको सोचना है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मतलब 13 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन होते हैं जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, इसके 4 ऑप्शन हैं, कोई ये कुछ ऑप्शन है, इसके चांस होने के चांसेस है 100%, इसके 75 होंगे, इसके 50 होंगे, इसके 25% चांस होंगे। यदि आपने इसको भी टिक किया है तब भी आपको 25% मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अब हम जान लेते हैं आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया SRT, हर वीडियो में लगभग मैं ये चीज़ें बता देता हूँ। सिचुएशन, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उसके आपको रिएक्शन देना होगा, उस चीज़ का जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर नोट किया था, सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। भोपाल सेंटर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और भी मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। क्वेश्चन क्या था कि कल आपका बर्थडे है और अचानक से रात को आपकी माँ है वो बीमार हो जाती है, ठीक है, बीमार हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे गाइस, वो चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। देखिए, यदि आपको 40 SRT वहाँ पर दी जाती हैं, कितनी 40, तो 40 में से आपकी ना 25 SRT तो ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आंसर टिक करना होगा। और जो 15 SRT हैं, 10 SRT हैं, वो आपकी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होती है। 5 SRT ऐसी होती है जिनमें जो आपको सोचने को मजबूर कर देती है, जिनमें आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक कराने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग जो भी GD SRT की तैयारी कर रहे हैं।
तो मैंने क्वेश्चन बोला कि कल आपकी आपका बर्थडे, अचानक से रात को आपकी माता बीमार हो जाती है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? पहले माता को दिखाएंगे, फिर जन्मदिन की पार्टी कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन है, माँ को कोई और हॉस्पिटल ले जाएगा, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा। ऑप्शन सी है, दोस्तों से पार्टी के लिए बिल्कुल मना कर दूंगा कि भाई पार्टी नहीं होगी, मेरी माता बीमार है, मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा और दोस्तों को बोल दूंगा कि पार्टी किसी और दिन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं वो इस वाले ऑप्शन को लगा देंगे, बट ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। ये 75% इसके यहाँ पर चांसेस हैं, 75% चांस है। यदि आपका ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं एक एक चीज़ है वो आपको क्लियर कराऊंगा, कोई आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाने वाला, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन यदि आपका नहीं होता तो आप इस ऑप्शन को लगा सकते थे, तब ये 100% अपनी जो चांसेस है वो देता, लेकिन अब इसके 75% चांस है, बिकॉज इससे अच्छा ऑप्शन हमें चुनना है, बेस्ट नीचे वाला है। भाई पहले माता को दिखाएंगे, फिर जन्मदिन की पार्टी कर लेंगे, दैट मीन्स उसी दिन की बात कर रहा है। आपकी माता अचानक से बीमार हो गई है और आप उसको दिखा कर लाएंगे, तो यार ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आज सुबह आप हॉस्पिटल से दिखा कर लाए हैं, फिर शाम को बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, नहीं, ये आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बात ये है। लेकिन यदि आप कहेंगे कि मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा तब वो ठीक हो जाएंगी, तो दोस्तों को पार्टी के लिए, मतलब कि दोस्तों से बोल दूंगा कि पार्टी किसी और दिन कर लेंगे, जब भाई माता ठीक हो जाएगी तो पार्टी हम आगे कर लेंगे, पार्टी तो कोई वो थोड़ी ना है किसी भी दिन डेट रखा और सभी दोस्त आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कि माँ को कोई और हॉस्पिटल ले जाएगा और मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लूंगा, ठीक है? यहाँ पर इसके चांसेस आपके 50% चांसेस हो जाते हैं, और यदि बात करें दोस्तों से पार्टी के लिए बिल्कुल मना कर देंगे। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, पहला तो दोस्तों को पार्टी देना और दूसरा माँ का इलाज करवाना, दोनों में से नेगलेक्ट किसी भी चीज को नहीं करना है, दैट मींस आपको ना तो दोस्तों की पार्टी को छोड़ना है और ना ही अपनी माँ को इलाज करने से उसका बचना है। पहले माँ का इलाज कराइए, जो काम पहले करने का उसे पहले करिए, जो काम बाद में करने का उसे बाद में करिए। तो समझ में आ गई होंगी चीजें, अब आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइज क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया, बट मैं आपको इससे वैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आपकी कंपनी के मतलब आप किसी भी कंपनी में या डिफेंस में जॉब कर रहे हैं और आपके दो बॉस हैं, भाई दोनों बॉस हैं, उनकी दोनों की बराबर वैल्यू है और वो दोनों आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं, मतलब उन दोनों की आपस में नहीं बनती है और आप उन दोनों बॉस के नीचे हो। ये बॉस बोल रहा है कि आपको गड्ढा खोदना है और ये वाला बॉस बोल रहा है नहीं, आपको पेड़ों में पानी देना है, ठीक है? ये मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ पर सीधा सीधा मिलेगा कि भाई आप किसी कंपनी में या किसी डिफेंस में काम कर रहे हो, आपके दो बॉस हैं और दोनों बॉस, एक आपको काम पानी डालने के लिए बोलता है, एक गड्ढा खोदने के लिए बोलता है, उसमें ये नहीं बोलेगा दोनों के मध्य कुछ ना कुछ तकरार है, और आप कौन सा वर्क करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है कि जिस बॉस की ज़्यादा पावर है आप उसकी मानेंगे, दैट मीन्स बॉस जिसकी थोड़े बहुत जिसकी ज़्यादा पावर है उसकी मानेंगे, दूसरा जो बॉस आपको अच्छा लगता है आप उसकी मानेंगे, तीसरा कि आप क्या करेंगे कि दोनों से मना कर देंगे, और चौथा ऑप्शन आता है कि दोनों से मेल मिलाप कराएंगे, दोनों का दोनों को आपस में बुलाकर उनसे ये बोलेंगे, मतलब इतना समझा कर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि दोनों से हम बातचीत करेंगे कि भाई मैं दोनों कामों में से किसी एक काम को मैं कर सकता हूं, तो आप आपस में समझौता कीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है यहां पर सिचुएशन में कि किसी भी चीज के साथ समझौता करना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज के साथ समझौता करना, कभी किसी के कार्य को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना है, कभी किसी कार्य को करने के लिए स्पष्ट मना नहीं करना है, कभी किसी कार्य को करने के लिए हमें जब तक खुद हो सके दूसरों की मदद नहीं लेनी है, जब बिल्कुल ना पार पड़े तब आपको मदद लेनी है। तो यहां पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि आप दोनों बॉस को एक साथ बुलाएंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई मैं भी तो आपके मतलब एक वर्कर की तरह कार्य कर रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं दोनों कामों को एक साथ करूंगा, भाई लड़ाई आप दोनों के बीच में, तो आप उसकी सजा मुझे ना दें, उसकी सजा आप आपस में कुछ ना कुछ कन्विंस करें, तो मुझे कोई ना कोई एक फाइनल डिसीजन दिया जाए ताकि मैं एक कार्य करूं। तो ये सिचुएशंस आपको कुछ इस तरह से दी जाती है। एक और क्वेश्चन देखिए, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में जाते टाइम हुआ क्या कि
कि एक ट्रक आ रहा है सामने से और उसने एक स्कूटी वाली एक महिला को टक्कर मार दी और वो टक उसको मार दिया है और वो ट्रक वाला वहां से फरार हो गया है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? पहला सिचुएशन आपके पास होगा कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे। दूसरा सिचुएशन होगा होगा कि आप पुलिस को कॉल करेंगे। तीसरा ऑप्शन होगा कि आप पहले उसके ट्रक के नंबर नोट करेंगे, दैट मीन्स दैट आगे उसके कोई ना कोई करेंगे। चौथा आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस सारी घटना को इग्नोर कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको यदि आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? कभी भी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वो महिला की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो चुकी है, दैट मीन्स उसको मार दिया है। तो उसको जब मार ही दिया तो उस एम्बुलेंस बुलाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप पुलिस को फ़ोन करोगे। आप पुलिस को फ़ोन करोगे तो पुलिस वहाँ पर क्या करेगी? उसकी डेड बॉडी को ले जाएगी और ट्रक वाला तो सेफ बचकर चला गया। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आप ट्रक के नंबर नोट करेंगे ताकि फ्यूचर में आप कोई भी पुलिस आए, आप उसके कंप्लेन FIR दर्ज करें तो सबसे पहले आपके सामने कोई ना कोई एविडेंस हो कि हाँ ये ट्रक वाला था, ये उसके नंबर थे, इसने इसको टक्कर मारी थी। तो ये सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन है गाइज। और इग्नोर कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ें यदि आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस, तो यू हैव टू वर्क, कुछ ना कुछ आपको करना होगा। यू हैव टू टेक एनी एक्शन बाय एनी वर्क, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको लेना होगा एक्शन, इग्नोर कभी भी नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं ये। एक और क्वेश्चन देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 200 रुपये का एक नोट पाता है तो आप उसे क्या करेंगे? आपके पास चार ऑप्शन होंगे और ऑप्शन आपको देखिए को ये SRT में कुछ बातें भी होती हैं, वो भी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा कि आप उन्हें उठाकर किसी भिखारी को दे देंगे। दूसरा ऑप्शन लेकर जाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप उसको पुलिस ऑफिस में जमा करा दोगे। चौथा ऑप्शन है आप उसमें आप उस वहाँ पर खड़े होकर थोड़े बहुत देर इंतजार करोगे, यदि कोई आता है तो ठीक है, वरना कोई आगे का रास्ता निकालेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन होते गए। 200 रुपये हैं आपके पास, 200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट आपको तो किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। 200 रुपये काफ़ी बड़ी अमाउंट है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन 200 रुपये के चक्कर में आप अपना काम खराब नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट वेट करेंगे, यदि कोई वहां पर आता है तो उसे लौटा देंगे, अन्यथा आप अपना कोई और काम वहां पर करेंगे। यदि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 200 रुपये आप अपना 2000 रुपये होते तो आप उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा सकते थे। लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं होता आपके पास वेट करने वाला, तो आपको यहाँ पर चाहे 100 रुपये हो चाहे 200 हो, उसको पुलिस स्टेशन में जमा कराना पड़ता। ये रूल है, डिफेंस का रूल है, आपके रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं चलेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि एक ऑप्शन है, आप बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और आपके पास 100 रुपये का एक नोट है। अचानक से जैसे कंडक्टर पैसे मांगने आता है तो आपने देखा कि आपने जैसे पैसे को निकाला वो तुरंत वो नोट है, इस तरह से वो नोट था वो बीच में से टॉर्ड हो गया, क्या हो गया, टूट गया वो नोट। तो आपको आपके पास वही नोट था, कंडक्टर बोल रहा है भाई मुझे पैसे चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन कि आप कंडक्टर से कन्विंस करेंगे कि भाई मेरे पास पैसे ऐसे ऐसे नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आप मतलब कि दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप अपने घर वालों के पास या किसी रिलेशन वालों के पास कॉल करेंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और वहाँ टाइम पर आप उन्हें पैसे दे दोगे। तीसरा ऑप्शन आएगा, आप कंडक्टर से बिल्कुल मना कर दोगे कि मैं पैसे आपको नहीं दूंगा, लेना है तो ले लीजिए। चौथा ऑप्शन आपको कोई ना कोई और मिल जाएगा। तो गाइज ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ कोई काम किया है तो उसका आपको पैसा है तो देना होगा, दैट मीन्स आप उसे मना नहीं कर सकते। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल सही है, जैसा कि आप उसके कंडक्टर के साथ कन्विंस भी कर सकते हैं, भाई मेरे पास पैसे नहीं है आप कल ले लीजिएगा, या कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और पैसे आपके गिरे हैं तो आपके पास ऑप्शन वॉलेट का भी होता है, पेटीएम का भी होता है, फ़ोनपे का भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं, आप दोनों को ऑप्शन कर सकते हैं कि भैया तो उससे कन्विंस करोगे, भाई कन्विंस हो सकता है वो आपका जानकार ना हो, तो आप अपने घर वाले उसके पास रिलेटिव्स के पास कॉल करोगे और उसको पैसे लेकर दे दोगे। सो गाइस ये SRT है आपकी और ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई इस तरह से नहीं समझाता, आगे भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।